hello students today we are going to discuss about the indian major calves so first of all you should know the meaning of calves calves means toothless fishes which is found in uh, rivers okay uh, so indian major calves are found in india indian rivers uh, which is uh, very easily available or uh, economically very important fishes uh, for example Sirinus mrigala uh, as you know that uh, katla katla and lepureta is also indian major carp now we are uh, going to discuss about or uh, uh, discuss about the uh, uh, serinus mrigala biology of Sirinus mrigala so first of all we will take the classification of Sirinus mrigala so phylum chordata group Pisces or class Osteichthyes means bones because these species bony fish okay serinus mrigala is bony fish in the order cypriniform is family Cyprinidae, uh, genus serinus and species mrigala commonly uh, known uh, mrigal mrigal or mrigal Mar so scientific name of mrigal is serinus Mrigla so genus Serenus and species Mrigla. Okay. Now uh, we uh, will take the diagram as uh, You know the diagram of a fish uh, This is the dorsal fin Which present on dorsal site uh, This is a caudal fin, which is fogged. This is a pelvic fin. This is a ventral fin और दिस वन इज़ अ पेक्टोरल फिन ओपरक्यूलम आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फिश आल्सो आई आर प्रेजेंट स्नाथ आर प्रेजेंट नो बार्बल्स आर टोटली अब्सेंट बार्बल मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विच इज़ प्रेजेंट ऑन हेड साइड हियर बट इट इज़ टोटली अब्सेंट इन दिस फिश बार्बल्स आर टोटली एब्सेंट इन दिस फिश माउथ माउथ इज़ downward upper jaw is uh, slightly larger than lower jaw this is a bottom feeder that's why this uh, fish's mouth are uh, downward in position okay lateral line is also present here uh, scales are also present lateral line play a sensory a role in this fish or all fishes okay so this is all over uh, the information about

सो हैड इज ब्रॉड विद शॉर्ट स्नाउथ यहाँ पर स्नाउथ प्रेजेंट थे दैन अपर जॉ इज़ स्लाइडली लार्जर ये थोड़ा सा बड़ा होता है अपर जॉ देन ये थोड़ा सा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अपर जॉ अपर जॉ इज़ लार्जर दैन लोअर जॉ एंड माउथ इज डाउनवर्ड इन पोजिशन बारबेल्स आर टोटली अपसेंट शॉर्ट डॉर्सल फिन होती है यहाँ पर डॉर्सल औरजिन स्लाइडली इन एडवांस और अपोजिट टू दैट ऑफ वेंटल एंड स्केल्स आर मॉडरेट साइज कलर इट इज़ डार्क ग्रे अबाव और सिल्वरी ऑन बेली यहाँ पर इस पोर्शन में इसका जो कलर रहेगा वो सिल्वरी होगा और यहाँ पर डार्क ग्रे और ब्लैक थोड़ा सा दिखाई देगा हमें ठीक है ना स मरीगला के फूड एंड फीडिंग हैबिट की अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका फूड क्या है तो इट इज़ अर्ली फ्राई टू फ़िंगरलिंग फीड्स मेनली ऑन जू प्लैंक्टॉन जब ये बिल्कुल माइन्यूट फ्राई होते हैं फ्राई टू फ़िंगरलिंग मींस जो एकदम हैचिंग uh, हैच uh, आउट होने के बाद जो जुवेलाइन होते छोटे छोटे फिशेस एग से बाहर निकलते वहाँ से हमारे फिंगर के जितना उनका साइज़ होने तक वो क्या खाते हैं वो खाते है, ज़ू प्लैंकटन टोटली uh, कार्नियोरस ओरस होते मीन्स के uh, जू प्लैंकटन पे डिपेंड होते छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब खाने के वो हैबिटेड uh, उनका हैबिट होता है ठीक है न फ्रॉम फिंगर अगर हम फिंगर से अडल्ट होने तक का उनका फूड एंड फीडिंग हैबिट देखे तो वो है फीड्स ऑन मैक्रोवेजिटेशन हाइड्रिलाइलम लैम वोल्फिया एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट देखिए जब ये छोटा था तब वो क्या खा रहा था जब बिल्कुल माइन्यूट और स्मॉल था उस टाइम वो टोटली हार भी ओरस था ठीक है मतलब हार पे डिपेंड था बट फ्राम फिंगरलिंग टू अडल्ट जब वो थोड़ा सा बड़े स्टेज में आता है तो वो क्या खाना शुरू करता है सॉरी जब स्मॉल था तब वो क्या खा रहा था और जब वो स्मॉल था उस टाइम वो खा रहा था टोटली ज़ू प्लेंगटन एंड जब वो अडल्ट में आता है मीन्स फ्रॉम फ्राई टू फ्रॉम फिंगर लिंग टू अडल्ट वो क्या खा रहा है टोटली totally, हर्ब्स totally ठीक है मीन्स वो जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह होंगे वो सब खाएगा तो uh, जब वो छोटा रहेगा उस टाइम वो जू प्लैंक्टॉन पर डिपेंड है और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अडल्ट हो जाएगा उस टाइम वो टोटली totally हार्वस पे डिपेंड है मीन्स प्लांट्स वगैरह ठीक है ना ग्रोथ अगर देखे तो सीनस सीला इट हैज़ फास्ट ग्रोथ रेट फ्राइ स्टॉक एट टेन टू टूवेल्व पॉइंट फाइव लैक पर हेक्टर अगर हम स्टॉक करते हैं इसके फ्राइज का तो वो टेन टू ट्व पॉइंट फाइव लाख अगर पर हेक्टर में अगर हम फ्राई को रखते हैं तो उनकी फिफ्टीन डेज में जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सेवन एम एम ठीक है ना नैन स्टॉक्ड अलॉन्ग विथ सिल्वर कार्प मीन्स अगर हम इसको अदर फिश के साथ अगर स्टॉक करते हैं तो इट ग्रोज टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इन थ्री मंथ्स एंड अटेंड अ लेंथ ऑफ सेवेंटी थ्री टू एटी सिक्स सेंटीमीटर मीन्स फोर टू सेवन के जी इन थर्ड ईयर ओड जब वो थर्ड ईयर की थ्री ईयर्स की हो जाएगी तो वो फोर से सेवन के जी की हो जाती है ठीक है तो ये हो गया ओवरऑल उसका ग्रोथ का इंफॉर्मेशन ना मैच्योरिटी की अगर देखें हम तो मैचोरिटी इन टेम्परेट रीजन इट मैच्योर्स फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ईयर मीन्स दो से तीन साल में ये मैच्योर हो जाती है और वन वेट ऑफ फिशिज़ टू के जी जब उसका वजन जो होता है उसका वेट जो होता है वो टू के जी होता है अबाउट कॉल कंट्रीज इट गेट्स मैच्योर ड्यूरिंग फाइव टू सेवन ईयर एज वेन इट्स वेट इज़ टू पॉइंट फाइव के जी ओके न फीकेटी अगर देखे तो इन स्पेसिमन वेट फोर टू सेवन के जी ओके और इसका अगर आ, हम आ, एक नंबर निकाले इसका कि, कि फिक्डिटी कितनी है क्या कि, कितनी ले करती हो थ्री लैख एट हंड्रेड इसका फिकेंडिटी है थ्री लैख एट हंड्रेड से लेके सिक्स लैक एटीन थाउजेंड तक का ये एग्ज़ का ले कर सकता है इसका ओवरी का एक आ, अगर हम मीन्स अंदाज़ा लगाए के, आ, कितने एग्ज़ ये ले कर सकती है तो इसका फिकेंडिटी है थ्री लाख एट हंड्रेड टू सिक्स लैख एटीन थाउजेंड ओके ना स्पानिंग की बात करते हैं तो स्पानिंग का सीज़न जो है इनका मानसून है जून टू और सेप्टेम्बर इनका जो है स्पानिंग का सीज़न है और ये फिश भी मींस जो मरीगला है जो सीनस मृगला है वो वंस इन अ ईयर ही स्पॉन करेंगी मीन्स एग्ज ले करेंगी ईयर में ओनली वन टाइम ये इसका स्पॉनिंग करता है ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये भी इट इज़ नेटिव ऑफ साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना एंड मिडल एंड लोअर सेक्शन ऑफ रिवर तो ये कहाँ पाई जा रही है ये जापान में भी पाई जाती है इन साउथ और सेंट्रल नॉर्थ चाइना में इसका ज़्यादा है देन ताइवान जो जापान में ताइवान है वहाँ भी वो पाई जाती है थ्रू आउट इंडिया हम इसको बोल सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके ना इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली इट इज़ आल्सो फूड फिश ये ये फिश जो है हमारी uh, मीन श्रीनस मिगला ये भी एक फूड फिश है ठीक है मीन्स खाने के लिए यूज़ होता है ज़्यादा तो इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमें मिले गई इट हैज़ वाइडली कल्चर्ड एवरीवेयर इन इंडिया मीन्स बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल जो होता है जिसमें मीन्स अगर वाटर uh, के अंदर और पौंड के अंदर अगर ज़्यादा अलगी हो जाए तो बायोलॉजिकली अगर हमको उसको कम करना है तो इस फिश को श्रीनस मेरेगला को अगर हम उस रिवर uh, में इंटर कर देंगे पौंड में तो ये सारा की सारा वो जो भी अनवांटेड uh, वीड है वो ईट कर जाएगी तो उसमें भी हमारा अच्छा सा हेल्प हो जाता है देन इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलीकल्चर ये पॉलीकल्चर uh, में यूज़ होती है पॉलीकल्चर मतलब क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉन्ड में हमको फिशेस का कल्चर करना है सपोज इज़ अ पॉन्ड सो सरफेस देन बॉटम देन सरफेस देन कॉलम देन बॉटम सरफेस में हम अगर वो रखना चाहे फिश को तो हम कतला को रख सकते हैं देन लेबी और रोहिटा को हम मिडल में रख सकते हैं बिकॉज अ मिडल फीडर देन जो हमारा सीरियस मिगा मृगला है हम उसको बॉटम में रख सकते हैं यहाँ पे हम uh, सीरियस मृगला को रख सकते हैं और एक साथ इन तीनों का कल्चर कर सकते हैं कतला कतला जो है वो सरफेस फीडर है मीन्स सरफेस पे रहना पसंद करती है सरफेस पे इसका माउथ आप टर्न होता है तो वो सरफेस का जो भी वीड जो भी उसका फूड होगा वो ईट कर सकती है इजीली देन बॉटम में लेबियरिटा क्यों रहती है क्योंकि उसका जो माउथ है वो सब टर्मिनल है मीन्स स्ट्रेट है तो वो यहाँ का ईट कर सकती है अच्छे से फूड देन सीरियस मेरे निकला डाउनवर्ड उसका माउथ है मीन्स नीचे की तरफ झुका हुआ उसका माउथ होता है लिप्स उसके तो हम मतलब सीरियस मेरे निकला ईजिली यहाँ का फूड डाउनवर्ड का खा सकती है तो ये इनका जो हो गया एक पॉलीकल्चर हो गया मीन्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सॉरी इनका एक नेचुरली ही ऐसा हो गया है एक फूड का खाने के लिए इजी के इनका माउथ ऐसे सब सरफेस फीडर देन कॉलम फीडर देन बॉटम फीडर इनका माउथ ऐसे सरफेस फीडर वालों का अप टर्न होता है देन कॉलम फीडर वालों का सब टर्मिनल होता है देन बॉटम फीडर वालों का डाउनवर्ड होता है तो ये इनके लिए इजी हो जाता है ठीक है तो वो पॉलीकल्चर में हमारे ईजी हो जाता है इस फिश को रखना और हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते इकोनॉमिकली वेरी इम्पॉर्टेंटली हम इसको बोल सकते हैं ठीक है तो ये आपका सारा के सारा बायोलॉजी हो गया सीरिनस मृगला का इंडियन मेजर कार्प्स में थ्री कार्प्स आते हैं कतला कतला लेब्य एंड सीरिनस मृगला तो ये तीनों का बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया है आपको तीनों लेक्चर में अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच